ओके, मेनी स्टूडेंट्स हैव येट टू नो अबाउट दिस चैनल, प्लीज डू हेल्प इन शेयरिंग विद देम द सेशन. ठीक है अनुज, वेलकम. हाँ जी शुभम, बिल्कुल ठीक. वॉरसो इज द कैपिटल. अब यहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाइंड्स हंड्रेड्स ऑफ न्यू आर्टिफैक्ट्स एट झारखंड बेनीसागर. ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. आई वुड से किसी ना किसी एग्जाम में ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है. देखिए झारखंड में, झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर पर, ठीक है झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर पर यहां पर एक जगह है जिसका नाम है बेनीसागर. यहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स एक्सकवेट किए हैं. अ विलेज 85 किलोमीटर फ्रॉम झारखंड वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट. और यहां पर कहा गया कि सेटलमेंट थी, ठीक है ह्यूमन सेटलमेंट थी फ्रॉम 5th सेंचुरी AD या 5th सेंचुरी कॉमन एरा, क्योंकि आजकल हम ये AD वाला टर्म यूज नहीं करते. 5th सेंचुरी कॉमन एरा लगभग वो टाइम पीरियड जब गुप्तास थे, ठीक है. और 16th to 17th सेंचुरी तक, मतलब जब तक आप मान के चलिए कि मुगल्स आ चुके हैं तब तक ये लगातार लगभग 1200 साल तक ये यहाँ पर इनहेबिटेड रहा, लोग रहते रहे. अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ASI हैज इंक्लूडेड बेनीसागर इन द लिस्ट ऑफ इट्स मोस्ट 100 मोस्ट प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ द कंट्री. और ये कहा गया दैट इट बिकॉज ऑफ ह्यूज पॉन्ड साइज 300 by 340 meters, जिसको आज भी वहां के स्थानीय लोग मेंटेन करते हैं. ठीक है जी हाँ अभिषेक, बिल्कुल ठीक. ठीक है जिसको ये देखिए, ये पॉन्ड है जिसको आज भी लोग मेंटेन करते हैं, ये आर्कियोलॉजिकल साइट उभर कर आई है. ठीक है और ये पहली बार आपका ये जो कह लीजिए पॉन्ड है, इसको बनाया गया था किंग नेम्ड बेनी और बेनो, और इसको पहली बार ब्रिटिशर्स ने आइडेंटिफाई किया था. ठीक है ये आपका बॉर्डर बिल्कुल लाइक उड़ीसा और झारखंड का बॉर्डर है. अब इसमें इंटरेस्टिंग और क्या है, इसमें इंटरेस्टिंग ये भी है कि ये कहा जा रहा है कि लर्निंग सेंटर था, एक काइंड ऑफ एजुकेशनल सेंटर या यूनिवर्सिटी टाइप हो सकता है. ठीक है ancient. So excavations carried out by the ASI towards southeast and eastern embankments of this neck have brought to light many sculptures. अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये है प्रियांगु ध्यान चतुर्विद्या, जो या कह लीजिए चतुर्विद्या, मतलब चारों वेदों का इनको ज्ञान था. ठीक है चारों वेदों का ज्ञान था. द स्क्रिप्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन इज ब्रह्मी. ठीक है ब्रह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट. खरोष्ठी स्क्रिप्ट आपको कहां पर मिलती है, खरोष्ठी स्क्रिप्ट मिलती है आपको जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला रीजन है. ब्रह्मी स्क्रिप्ट क्या है, जो कि काफी ज्यादा देवनागरी, मतलब जो हम कहते हैं कि फर्दर जाकर देवनागरी और बंगाली, जो नॉर्थ इंडिया में हमें भाषाएं मिलती हैं उसमें मिलती है. द लैंग्वेज इज संस्कृत. और सम स्कॉलर्स ऑफ द व्यू कि यहां पर जो सील रिकवर हुई है इट वॉज अ सेंटर ऑफ लर्निंग, जहां पर चारों वेदों की शिक्षा दी जाती थी. अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कीना जो पूछ रही है. अब ये कहा जा रहा है कि ये मेनली जो कलिंग एम्पायर्स रहे हैं, क्योंकि ये 1200-1300 साल में है तो हम आप इसको किसी एक पर्टिकुलर किंगडम में नहीं कह सकते. बट जो न्यूज आर्टिकल आ रहा था उसमें ये भी लिखा था कि मोस्टली ये जो पर्टिकुलर जगह है ये उड़ीसा में जो एम्पायर्स रहे हैं उनके अंडर ये जगह रही है, उड़ीसा के एम्पायर्स के अंडर ये जगह रही है. ठीक है ओके. यहां पर मोरओवर द रिकवरी ऑफ स्टोन्स डिनोटिंग काम और कैपिटुलेशन सीन्स, जहां पर ये भी कहा गया कि उस समय पर जो सेक्स एजुकेशन है वो टैबू नहीं था, तो ये पर्टिकुलर एक एजुकेशनल सेंटर हो सकता है ऐसा, मतलब कह लीजिए अनुमान लगाया जा रहा है. ठीक है कि ये जो है इंपॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर था जहां वेदों का ज्ञान भी था और बाकी चीजों का भी आपको शिक्षा मिल रही है.